नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों, आज मैं आपसे ये बेहद ही खूबसूरत से प्लांट पर बात करूँगी। आप सभी जानते हैं ये जो प्लांट है ये मनी प्लांट है, और ये प्लांट जो है ये नाम से तो मनी प्लांट है लेकिन ये वाइन के रूप में ग्रो करता है। बेहद ही खूबसूरत प्लांट है दिखने में, और इसकी ये जो पान के शेप की या जो हार्ट शेप की लीव्स होती हैं इसके कारण ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत लगता है। एवरग्रीन प्लांट है दोस्तों, ये पूरे महीने या हम ये कहें कि ये 12 महीने ग्रीन रहता है यदि हम इसकी थोड़ी सी केयर करें तो, और बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला प्लांट है। कटिंग से भी लगाया जा सकता है। हार्डी प्लांट है, हार्डी इसलिए कहा जा सकता है कि आप एक बार इसे लगा देंगे और थोड़ी सी केयर करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी और अच्छे से ग्रो करने वाला प्लांट है। अब दोस्तों हम बात करें इस प्लांट की, तो ये जो प्लांट है ये डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ऐसा माना जाता है यदि वास्तु शास्त्र के हिसाब से हम इस प्लांट को लगाएं तो ऐसा माना जाता है कि इस प्लांट से धन की प्राप्ति होती है, इसलिए शायद इस प्लांट को मनी प्लांट भी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा दिखने वाला प्लांट और एवरग्रीन प्लांट है। यदि हम इसे घर में लगाएं तो ये इसके ये जो ग्रीन कलर है इसके कारण ये प्लांट है डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत ज़्यादा बूशी होता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। आप देखिए मेरा प्लांट जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, और एक छोटे से पॉट में लगाया है और ये बहुत अच्छे से ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ भी है। तो दोस्तों ज़्यादा केयर नहीं मांगता है ये प्लांट, बहुत ही अच्छे से चलता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो दोस्तों इसकी कुछ केयर टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करें इस प्लांट की कि हम इसे किस तरह की मिट्टी में लगाएं। तो दोस्तों आपको इसकी मिट्टी तैयार करनी है, तो आप जब इस प्लांट को लगाएंगे तो आपको एक हिस्सा गार्डन की सॉइल लेनी है, एक हिस्सा सेंड जिसे हम बजरी कहते हैं रिवर सेंड वो लेनी है, और एक हिस्सा आपको या तो कोकोपीट लेना है या फिर आप उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला के आप इस प्लांट को लगाएंगे। तो जो कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट होते हैं ये दोनों थोड़ा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, मॉइस्चर बनाए रखते हैं सॉइल में, तो आप इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करके और एक हिस्सा खाद लेकर आप इस प्लांट को आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी ग्रो करता है और बहुत अच्छे से चलता है। अब दोस्तों पानी की हम इस प्लांट में बात करें कि इसमें वाटर कितना देना है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों अभी गर्मी है तो आपको इसमें पानी तो अभी अच्छे से देना है, इतना पानी देना है कि जो इसकी सॉइल है उसमें अच्छे से मॉइस्चर बना रहे, इसकी जो ऊपर की सॉइल है वो ज़्यादा ड्राई ना हो बार बार, तो बस आप इतना सा ध्यान रखिए। और जो पॉट का ड्रेनेज होल है वो प्रॉपर हो, पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आपके पॉट में सॉइल में जो पानी है वो बार बार रुकेगा तो प्लांट की जो सॉइल है वो सॉगी होगी, और सॉगी होने के कारण आपका ये जो प्लांट है इसमें दलदल जैसा हो जाएगा और फिर आपका प्लांट धीरे धीरे गलकर मरने लगेगा। ओवर वाटरिंग के कारण आपके प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलो होंगी, डार्क होंगी, ब्लैक होकर जल कर भी मरने लगेंगी, और आपका प्लांट भी धीरे धीरे गल के ख़राब हो जाएगा। इसकी रूट्स गलेंगी, इसकी स्टेम्स जो हैं वो गलकर एकदम टूटने लगेंगे और आपका प्लांट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पानी जो है मनी प्लांट में इतना दें कि इसमें सिर्फ मॉइस्चर बना रहे, वो ड्रेनेज होल आप ध्यान रखिए प्रॉपर हो, प्लांट का जो पॉट है उसमें पानी दलदल जैसा ना हो जाए सॉइल प्लांट की, बस इतना सा ध्यान रखना है पानी का, तो ये आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। दोस्तों हमने सॉइल की बात कर ली है कि सॉइल आपको किस तरह की चाहिए, अब हम बात करते हैं कि इस प्लांट को किस तरह का फर्टिलाइजर। हाँ दोस्तों एक बात और कि इस प्लांट को मिस्टिंग बहुत पसंद होती है। आप देखिए मैंने सारे प्लांट में मिस्टिंग कर रखी है, मिस्टिंग मतलब आपको प्लांट को पूरी तरह से नहला देना है, या फिर अच्छा स्प्रे हो आपके पास तो स्प्रे से आपको पानी इसमें थोड़ा सा स्प्रे करते रहना है। ठंडा पानी अगर आप इसमें स्प्रे करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। इसकी मिस्टिंग जो है वो बहुत पसंद है इस प्लांट को, तो आप पूरी तरह से अपने इस प्लांट को नहला दें। नहलाने से अभी गर्मी के मौसम में आप बार बार इस प्लांट में बार बार या दो टाइम आप इस प्लांट में मिस्टिंग करें। मिस्टिंग से क्या होगा, इसे ह्यूमिडिटी का माहौल मिलेगा, जो एटमॉस्फेयर है वो ह्यूमिड हो जाएगा और इसे वो एटमॉस्फेयर बहुत पसंद होता है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको मिस्टिंग इस प्लांट में करते रहना है। अब दोस्तों हम बात करें इसमें फर्टिलाइज़र की, तो ये जो प्लांट है ये इसमें
सिर्फ लीव्स ग्रो होती है, ना ही इसमें किसी तरह का फ्लावर आता है ना फ्रूट लगते हैं, सिर्फ इसमें लीव्स ग्रो होती है। और इसकी लीव की जो शेप है या इसकी जो सुंदरता है, इसीलिए इसे इस प्लांट को ज़्यादा ग्रो किया जाता है। तो लीव्स को, इसके प्लांट की लीव्स को ग्रो करने के लिए दोस्तों नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। और इस प्लांट में दोस्तों आप देख रहे हैं कि ना तो फूल आते हैं ना फ्रूट आता है। तो आप इसे किसी तरह से, ये प्लांट एडिबल तो है नहीं, तो आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट होगा इसमें NPK 19-19-19, वो यदि आप इस प्लांट को देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। या आप दूसरा भी कोई सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जो नाइट्रोजन रिच हो। हाँ, आप इसमें DAP या फिर हम ये कहें कि जो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है वो इस प्लांट को ना दें, इसे सिर्फ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दें, ये प्लांट जो है ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। दूसरे हैं आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं या घर से रसोई से जो निकलता है वो भी आप इस प्लांट में ऐड कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। इसकी लीव का साइज़ भी बहुत अच्छा ग्रो होगा। अब दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात हो गई कि हम इस प्लांट में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दें तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब हम दोस्तों बात करें इसमें सनलाइट की, तो इस प्लांट को सनलाइट जो है वो बहुत कम दी जाए तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अभी गर्मी का मौसम है तो जितना ज़्यादा हम इसे शेडी एरिया में रखेंगे या ऐसी जगह रखें जहाँ सिर्फ लाइट आती हो, धूप ना आती हो, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ओवर वाटरिंग और ओवर सनलाइट के कारण आपका प्लांट जो है वो ख़राब होगा। इसके पत्ते पीले पड़ेंगे और धीरे धीरे इसके पत्ते जो हैं वो बर्न होकर गिरने लगेंगे, रेड स्पॉट हो जाएंगे आपके प्लांट में। जगह जगह आपकी लीफ जो है प्लांट की वो ब्लैक स्पॉट के कारण या रेड स्पॉट के कारण, बर्निंग के कारण आपका प्लांट धीरे धीरे ख़राब होता रहेगा। तो आप इतना ध्यान रखिए कि इस प्लांट को ओवर वाटरिंग और ओवर सनलाइट से बचा कर रहे हैं। यदि आपने इसे बिल्कुल शेडी एरिया में रखा है तो भी आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ओवर वाटरिंग ना करें, सिर्फ इतना पानी दें कि इसमें मॉइस्चर बना रहे और समय समय पर या सुबह में या शाम को इस प्लांट में मिस्टिंग करते रहें। हाँ, यदि आपके प्लांट की सॉइल जो है वो ज़्यादा धूप के कारण बार बार सूख रही है तो आप इसमें मल्चिंग कर दें। और मल्चिंग यदि आप जो कोकोनट के छिलके होते हैं, पील्स होते हैं, उन्हें भी आप सॉइल में बिछाएंगे तो मल्चिंग इस तरह से भी कर सकते हैं। और आप यह जो प्लांट के, कुछ प्लांट के सूखी लीव्स होती है उनसे भी आप इस प्लांट में मल्चिंग कर सकते हैं, आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब दोस्तों हम बात करें इस प्लांट में डिसीज़ की, तो इसमें फंगल और बैक्टीरियल डिसीज़ होती है जिसके कारण आपका प्लांट जो न्यू लीव्स होती हैं इस प्लांट की वो धीरे धीरे बर्न होती हैं और आगे आपका प्लांट फिर ग्रो नहीं करता है। इसमें रेड स्पॉट होते हैं, फंगल या बैक्टीरियल स्पॉट्स होते जाते हैं आपके प्लांट में और आपका प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने प्लांट में हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, उससे क्या होगा, या फिर आप फंगल डिसीज़ को रिमूव करने का जो फंगीसाइड पाउडर जो आता है उसे भी यदि आप इसमें स्प्रे करेंगे तो भी आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो अब दोस्तों हम बात करें इसके प्रोपोगेशन की, तो आप इसे कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आप इस प्लांट की कोई सी भी ब्रांच को कट करके सॉइल में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और यदि आपको इसका प्रोपोगेशन पानी में करना है, वाटर में करना है, तो आप उसमें भी इसे कर सकते हैं। वाटर में इसकी ग्रो जो है, रूट्स जो है वो जल्दी बनती है, और फिर जब रूट्स बन जाए तो अब आप इसे अपने प्लांट में, पॉट में, सॉइल के पॉट में ऐड कर सकते हैं। आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगाएगा, बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट ग्रो करने वाला प्लांट है। तो दोस्तों आप इसे एक बार अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ना दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल सके।